आइए इस वक्त हम लोग वचन का उठाएंगे। आइए इस वक्त सांग्स ऑफ सोलोमन सृष्टि की 4:3। तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान है, तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान है, और तेरा मुंह मनोहर है, तेरा मुंह मनोहर है, तेरे कपोल तेरे लटों के नीचे, तेरा कपोल तेरे लटों को बीच में से अनार की फाक से देख पड़ती है। अनार को फाड़ कर रखेगा तो कितना लाल लाल दिखाई देगा, सुंदर शाइनिंग ऐसा दिखाई दे रहा है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करिए, हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले लिखा है अपना दुल्हन का होठों कैसा है, पढ़िएगा, तेरे होठ लाल रंग की डोरी के समान है, लाल रंग की डोरी का समान है। ये लाल रंग का डोरी आपका बहुत स्टेडियम दिया हुआ है, कितना लोग याद है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत लोग याद नहीं, भूल गया। मिलाप की तंबू में 4 किस्म का धागा हर चीज़ में आएगा, एक नील रंग का, एक बैंगनी, एक सादा, एक लाल रंग का डोरी, ये 4 हर चीज़ में आएगा, हर चीज़ में, थंब में, दरवाजा में, बगल वाला में, फर्दा में, ऊपर का छत में, सब जगह पर ये 4 डोरा। इसका सबका अर्थ में आपको बहुत गहराई का स्टडी दिया है, इतना ज़्यादा भी आप लोग को देने की जरूरत नहीं सोच रहा हूँ। कितना लोग को याद है, बोले कितना लोग को याद है, तब हम इतना गहरे में नहीं जाएंगे। याद है, सिर्फ 3-4 लोग का याद है, ज़्यादा लोग का याद नहीं है। हालेलुया। जो बेंजनी कपड़ा है, चारों धागा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को दृष्टांत देता है, यीशु मसीह का जीवन को दृष्टांत देता है, यीशु मसीह को दृष्टांत देता है, जो यीशु मसीह का डिवाइन नेचर को दृष्टांत देता है। ये 4 रंग का धागा, पहला है नील रंग का, मिला तो आप लेकर फट सकते हैं, निर्गमन का किताब उसका 26:1 पढ़ेंगे, निर्गमन। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले, इसको क्या करना, बटी हुई सनी वाले, और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ केरुबों के साथ बनवाना। यहाँ पर 4 किस्म का, एक पहला वाला क्या है, पहला था उसका इंग्लिश में लिनन करके बोला है, क्या लिखा हिंदी में, लिनन, इंग्लिश में लिनन लिखा है, हिंदी में क्या बोला, सनी वाली कपड़ा, सफेद, हालेलुया, लिनन कपड़ा करके लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल प्योर व्हाइट, हालेलुया। कुछ ट्रांसलेट में कॉटन करके भी आया हुआ है, मतलब वो कॉटन नहीं है, जो है बिल्कुल हाई क्वालिटी मेन कॉटन, इस ट्रांसलेट में, लेकिन रंग तो यह है व्हाइट। ये व्हाइट क्या है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र दाई को दृष्टांत आता है, द डिवाइन नेचर, होलीनेस, हालेलुया। वो मनुष्य बनकर आने के बावजूद भी उनका पवित्र दाई, कोई उसका दोष नहीं कर सका, वो पवित्र दाई को दृष्टांत आता है। दूसरा दाग क्या है, नीले है, हम पिछले बार उसका अनुग्रह, प्रभु का स्टडी दे दिया, और उनका अनुग्रह को दृष्टांत है, प्रभु इतना सामर्थी पवित्र परमेश्वर, फिर भी क्या है, वो अनुग्रहधारी परमेश्वर। तीसरा बैंगनी, उसका रॉयल्टी, उसका सामर्थ, उसका पावर, राजनीति का अधिकार, उसको दृष्टांत आता है, हालेलुया। और 14 लाल रंग का धागा, ये लाल रंग का धागा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, वो पवित्र, वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं था, दोष नहीं है, वो कृपादार है और सामर्थी है, अधिकारी है, रॉयल्टी है, फिर भी वो आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ, ये बलिदान को दृष्टांत आता है, लाल रंग का डोरी, हालेलुया। आप मिलाप की तंबू में जहां पर भी देखेंगे हर जहां पर ये आएगा, हालेलुया। यहां पर लिखा है 10 फर्दा किसके लिए बनाया मन में, अब घर में जाकर बाद में ऊपर नीचे पढ़कर देख लीजिएगा, और उसी का 31 भी आप देखेंगे, वहां पर लिखा है ताकि ये फर्दा 10 फर्दा किसके लिए है, छत के लिए,
हालेलुया, आपके छत चाहिए, शेल्टर चाहिए, हालेलुया। बहुत से इंडिपेंडेंट पास्टर लोग मेरे पास आते, पास्टर हम लोग को भी आप लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं, हमको शेल्टर चाहिए, हालेलुया, एक शेल्टर चाहिए। हाँ पढ़िएगा 31 भी। फिर नीले बैजनी, नीले बैजनी और लाल रंग की, लाल रंग की बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े, सनी वाला कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, बीच वाला पर्दा बनवाना, वो कढ़ाई के काम किए हुए तो ये केरब लगा होना चाहिए। एक पर्दा कबर में देखते हैं, हर जहां पर पर्दा, पर्दा क्या है, पार्टीशन करता है पवित्र स्थान को, महापवित्र स्थान से अलग करता है, और पवित्र स्थान को जो है आंगन से अलग करता है, सप्रेशन करने वाला फर्दा। हालेलुया, हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, क्यों है इसके बारे में मिलाप की तंब में आपको बहुत कुछ डीपली स्टडी दे दिया। आंगन का चारों तरफ का फर्दा है वो कैसा बनता है, और आंगन और पवित्र स्थान के बीच में का फर्दा वो कैसा बनता है, वो चार खंबा में मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का उसका 27 का 16 में उसके बारे में लिखा है, 27 निर्गमन 27:16। आंगन के द्वार के लिए, आंगन का द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, पर्दा बनवाना जो नीले, नीले बैंगनी, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के, लाल रंग के कपड़े थे, और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े, सूक्ष्म सनी कपड़े का कामदार बना हुआ, बना हुआ 20 हाथ के हो, उसके लिए खंबे चार और खंबे खाने भी चार हो। चार खंबा चाहिए, चार खाने भी चाहिए, इसके बारे में हम ये चार खंबे, ये चार खंबे किसको दृष्टांत देता है, चार गॉस्पल को दृष्टांत देता है। यीशु मसीह को वो उसी फर्दे को किस पर टांगा होना चाहिए, चार खंबे में टांगना चाहिए। ये चार खंबे है मत्ती मार्क लुका जॉन, ये चार खंबे में यीशु मसीह को टांगा गया है। यीशु मसीह का पूरा टॉप टू बॉटम आपको क्या है, ये चार खंबे में मिल जाएगा। ये चार खंबे है रास्ता है, हालेलुया, ये रास्ता का पर्दा है, जो बाग से एक आदमी आंगन में प्रवेश करना है इसी का द्वारा ही प्रवेश करना है। यही क्या है, दरवाजा, ये दरवाजा क्या है, यीशु को दृष्टांत आता है, प्रभु बोला मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, और इतना भी ना द्वार में हूं, योहन्ना उसका 10 में लिखा। अभी 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 हम इतना और गहराई में नहीं जाएंगे, हम दुल्हन की तरफ आएंगे, फिर भी आपके जानकारी के लिए इसको बोल दिया, ताकि ये लाल रंग का ढोरा मतलब हर प्रहार की मिलाप के थंब का हर जगह में, हर पार्ट में लाल रंग का धागा का जरूरत है। यीशु मसीह का गुरबान, यीशु मसीह का बलिदान को दृष्टांत आता है। ये बलिदान का शुद्ध किया हुआ होटो, ये होटो है लाल रंग का डोरी का बराबर क्या है, यीशु मसीह का लहू से धोया हुआ होटे, दुल्हन का होटे है यीशु का लहू से धोया हुआ होटा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे बोल रहा है, हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं हसुद होटा वाला हूँ, मैं हसुद होटा वाला के बीच में रहता हूँ। इस होटों को शुद्ध करने वाला है और लाल रंग का ढोरी, हालेलुया, इस होटों को शुद्ध करने वाला। ऐसे नबी का किताब उसके 6:5 में लिखा है उसके बारे में, और मिला तो बाद में भी पढ़ सकता है, 5:7 में उसके बाद कैसा शुद्धिकरण होता है, हालेलुया, मिला तो पढ़ लीजिएगा। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होटों वाले मनुष्य हूँ और अशुद्ध होटे वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद उसका चढ़िए अभी, उसके बाद 7 और उसके पीछे पढ़ लीजिए, जैसा उसका एक केरूप ने जाकर उसको होटों को शुद्ध किया, ऊपर लिखा है, अभी वहां पर मत जाएंगे, लेकिन पद प्यार हमारा ये लाल रंग का डोरी के ऊपर वापस आना है। हालेलुया, यही होटो है, ये होटो है, प्रभु का दरवाजा है, प्रभु का दरवाजा, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। निर्गमन का किताब 26:36 पढ़िएगा। तंबू के द्वार के लिए, तंबू का द्वार के लिए, ये अभी पहले जो बोला है वो आंगन का द्वार है, आंगन का द्वार है, ध्यान दीजिए, आंगन में से जो बागर के आदमी आंगन में घुसने के लिए ये 20 फुट लंबा वाला फर्दा चार खंभा में टांगा गया, ये यीशु का दृष्टांत आता है, चार गॉस्पल में टांगा गया, ये है पवित्र स्थान में तंबू में आने के सामने रहने वाला फर्दा।
हालेलुया। वो आंगन वाला फर्द अलग है, ये तंबू वाला फर्द अलग है। हाँ पढ़िएगा दोबारा। फिर तंबू के द्वार के लिए, तंबू का द्वार के लिए, तंबू बनाया है उसका द्वार के लिए नीले बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी कपड़े कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। पर्दा बना रहे यहाँ पर भी, और एक पर्दा, ये पर्दा भी पार करेगा तो आप पवित्र स्थान में जाएगा। पवित्र स्थान के बाद और एक पर्दा, वो पार करेगा तो महापवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। हालेलुया। कितना लोग कन्फ्यूज नहीं है ना, जो पुराना स्टडी है आपका वो स्टडी को आप देख लीजिएगा, जो मिला वाला थंबू का मैंने स्टडी दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर मेन बात यही है, बाकी धागा को भी आपको स्टडी दिया हुआ है। मेन चीज है लाल रंग का धागा, ये हर जगह पर, इसका हर जगह पर ये लाल रंग का धागा का बिना आपका आत्मिक जिंदगी में प्रमोशन नहीं है। एक संसार के आत्मी, परमेश्वर का भवन का जो आंगन में प्रवेश करना है उसका एक चीज का जरूरत है, वो लाल रंग का ढोरी चाहिए, तब आपको उधार मिलेगा। ये लाल रंग का धागा का द्वारा आपको उधार है, आपका प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का पवित्रता है। इसको घिसते हुए एक आदमी फर्दा को अंदर से प्रवेश करना, मतलब क्या, परदेश में जो फर्दा में घिस के ही अंदर प्रवेश करना। आमीन। कितना लोग मेरा बोली समझ में आ रहा है? यदि आपका घर में फर्दा है तो क्या करना पड़ेगा? एक आदमी उसी फर्दा को अटक कर वो अंदर प्रवेश करता। फर्दा क्या करता? उसके शरीर में रगड़ते हुए निकल रहा, तब अंदर जाने का उसको काबिलियत मिलता है, वो योग्य बन जाता है। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का बलिदान का द्वारा बहाया हुआ लघु का जरूरत है आप हर गेट में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। हर गेट में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में भी बहुत गेट है, हालेलुया, गेट भी बहुत है, वासस्थान बहुत है, वासस्थान में हर चीज गेट है, ये नहीं है बिना गेट का ऐसा सब भी कोई भी घुस जाएंगे, नहीं, हर जगह पर गेट है। गेट के बारे में एक स्टडी आने वाला दिन में आपको देंगे। हालेलुया। एक गेट भी है, बिना गेट का कोई भी उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आप दुनिया से आप आंगन में प्रवेश करने के लिए वहां पर भी लाल रंग का दाग का जरूरत है। वहां से आप वेदी पार हुआ, हौज पार हुआ, अभिषेक हुआ, याजक के वस्त्र पहन लिया, फिर पवित्र स्थान में प्रवेश करना, वो फर्दा में भी आपको क्या चाहिए? आपका लाल रंग का दाग चाहिए। वहां से भी पार हो गया, आप सात दीवटों का कलीसिया का अनुभव पार कर दिया, वहां रोटी रखा हुआ है, प्रभु भोजन का अनुभव को भी पार कर दिया। आज अपने जीवन को समझना प्रिय भाई प्रिय बहन, एक दिन मन पिरा बत्तीस में लिया, अभिषेक पा लिया, नाम लिख गया, जीवन के पुस्तक में, लेकिन अभी तू उसका अवस्था क्या है? या कट गया या कि नहीं, या अभी उसी स्थान में, उसी भवन में, उसी महिमा में, या ब्लैक स्लाइड पहला का अनुभव से तू पीछा रहा है, तो दिन बा दिन वो आंगन पार हुआ, तुम्हारा वागन नहीं आना है, उसके बाद कहाँ आपको होना है? पवित्र स्थान। वो अनुभव पार हो गया, उसके बाद कहाँ जाना है? महापवित्र स्थान। तुम्हारा कभी वापस आने का सिस्टम ही नहीं है। हालेलुया। कभी वापस आने का सिस्टम नहीं है। हालेलुया। नेपोलियन कानून में एक ही सिस्टम था, नेपोलियन जो आर्मी का रूल्स बनाया था उसमें ये सब कुछ था, लेकिन विड्रावल नहीं था। विड्रावल मतलब क्या? ज्यादा अटक हो रहा है, हम दुश्मन हमसे भी ज्यादा भारी है, तो क्या कर दो, जगह छोड़ के बच कर भाग जाओ। नहीं लिखा, लड़ो मरो, वही सिस्टम। आज क्रिश्चियनिटी आगे है, बैकस्लाइड नहीं है, बैकस्लाइड नहीं होना है। हाँ अभी भी जिस चीज का नाम काटा गया वो बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चर्च से जाना आना कर रहा है, लेकिन जो जो कर रहा था उसे आदि प्रेम से भड़क गया। आज ये धागा आपको आगे बढ़ाता है, एक एक दरवाजा पार होके आंगन में प्रभु यीशु मसीह का लाल धागा आपका शुद्ध कर दिया, आगे प्रवेश कर दिया, वहां से भी पार होकर पवित्र स्थान में आपका घुसने का काबिल बनाया, उसी लाख वाला धाग अंदर में बचा लिया। आपका नहीं, आपका द्वारा आपका परिवार बचेगा। तो प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तेरा तेरा सारी घराना उधार पाएगा। एक वैसी रागा वो अपना घर की किड़िक में लाल दाग बांधा हुआ, मन में मिला दे लेकर पढ़िएगा, जोशुआ उसका 2:17, जोशुआ 2:17, 2:17 जोशुआ का किताब। उसने उससे कहा,
जो शपथ तूने हमको खिलाया है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, जब हम लोग ये देश में आएंगे, सारे देश निवासी लोग हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि प्रभु को कम है। तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूते, जो खिड़की से तुम हमको उतारा है उसी खिड़की में लाल रंग के सूते की डोरी बांध देना, डोरी को बांध लेना, और अपने माता पिता भाई, आपका जो भी रिश्तेदार है, माता पिता भाई बहन, वरन अपने पिता के सारे घराने, आपका कितना भी घराने, कितना भी रिश्तेदार है, इसी घर में अपने पास इकट्ठा, इसी घर में अपना पास ही इकट्ठा करवा दो। और आगे, तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकलेंगे उनके खून का दोष उसी के सर पर पड़ेगा। घर से आप निकल जाएंगे तो वो मरेगा, उसका खून उनका सिर पर है। और हम निर्दोष रहेंगे, हम निर्दोष रहेंगे, परंतु यदि तेरा संग घर में रहते हुए, जो लोग ये डोरी बांधा हुआ घर में रहेंगे, उस घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसका खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा, प्रभु बचा देगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, लाल रंग का धागा मने क्या है? आपका परिवार को बचाएगा, आपका परिवार को बचाएगा। आज बहुत परिवार बिगड़ने का क्या कारण क्या मालूम है? उनका होटल में लाल रंग का धागा नहीं है। बहुत लोगों को होटल में लाल रंग का धागा नहीं है, मुंह में जो आता बोल देता। उदार पाया हुआ होटल नहीं है, बलिदान पाया हुआ होटल नहीं है, और सैक्रिफाइस किया हुआ होटल नहीं है, प्रभु के वेदी पर रखा हुआ होटल नहीं है, प्रभु का लघु से धोया हुआ होटल नहीं है, सिर्फ लाल रंग का धागा क्या है? कुछ लोग वो समझ रहे, लिपस्टिक लगा के घूमता है, लाल लाल लिपस्टिक लगा के। हालेलुया, ये लिपस्टिक लगाया हुआ होटल नहीं है, यीशु का लघु लगाया हुआ होटल, यीशु का लघु लगाए हुआ, एक दूसरे का सैक्रिफाइस को प्रकट करने वाला होटो। मालूम है साउथ में कितना लोग, आप लोग गुना है, बेलूर गुलूर उधर इधर भी आप लोग बहुत जगह गया होगा, या केरला में वगैरह आप लोग टूर गया होंगे, तमिलनाडु में, केरला में, और मैक्सिमम आंध्र में, साउथ में जो जहाँ पर भी हो, कोई औरत लोग नॉर्मल वो है लिपस्टिक नहीं लगाता है। यदि वो लिपस्टिक लगाता है या तो वो रेड लाइट एरिया का होगा, नहीं तो उसका कैरेक्टर खराब होगा। हालेलुया, उसका अर्थ है आई एम रेडी फॉर टू किस। लाल लगाकर घूमता है, मैं अब किस रहने के लिए मैं तैयार हूं, वो उसका प्रकट है। प्रेसिडेंट, जो कैरेक्टर खराब है, दूसरे को भड़काना चाहते हैं, लड़का को गिराना चाहते हैं, दूसरे का मन को खराब करना चाहते हैं, वो लोग फोटो को लाल पड़वा कर देते हैं। लेकिन जो पवित्र व्यक्ति लोग, जो पवित्र दासी लोग, पवित्र स्त्री लोग, प्रभु का यीशु का लघु को सुबह लगा के जाते हैं, शुद्ध करके जाते हैं, मेरा होटो से प्रभु की महिमा होना, इसी तरह होटो से घर बच जाता है, उनका परिवार बच जाता है, उनका बच्चों लोग बच जाते हैं। हालेलुया, आज मेरा होटो किसी तरह है? मेरा एक दुख का बातें, खुद हमारा विश्वासी लोग, 32वां पवित्र आत्मा अभिषेक पाया हुआ विश्वासी लोग, वो लोग कितना लोग हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, उधर इधर में, पूरा लिपस्टिक लगा के, पूरा मेकअप करवा के, बिंदु लगा के, सिंदूर लगा के, कुछ लोग फोटो लेकर फेसबुक में, व्हाट्सएप में, उधर इधर किसको दिखा रहे हैं? आप सोच रहे हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में तो प्रभु पास्टर तो नहीं है, वो तो नहीं देखेगा। मेरा फेसबुक में तो मैं तो पास्टर को तो ऐड नहीं किया है, वो नहीं देखेगा। लेकिन मेरे को तो ऐड नहीं किया, लेकिन तुम्हें देखने वाला और कोई उसी फोटो को दोबारा वापस मेरे को सेंड कर देता है। देखे आपका विश्वासी कैसा है भाई? दोहरा जिंदगी क्यों दे रहे? एक दुलीन बनो। यीशु बता रहा है मेरा दुलीन का फोटो कैसा है। मेरा दुल्हन का फोटो है लाल रंग की डोरा है। हालेलुया, और एक पवित्र स्थान में, महा पवित्र स्थान में रहने वाला चीज है उनका फोटो। आज अपना जिंदगी का थोड़ा समझो तो किसी तरह के विश्वासी बनना चाहते, लाल रंग के दाग का बिना एक याचक नहीं है, महायाचक नहीं है, उनका वस्त्र भी नहीं है। एक दो वचन जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, निर्गमन उसका 28 का 6 पढ़ेंगे, निर्गमन एक्सोडस 28:6, निर्गमन 28 का 6। और वे एदोम,
वे एपोत के सोने और नीले बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई शिक्षण सनी के कपड़े का बनाए जो जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का कहां पर लाल रंग के कपड़े वो उधर होना चाहिए एपोत में होना चाहिए जो बहुत चीज आप उसका पूरा पढ़े तो आप निर्गमन 26, 27, 28 पूरा पढ़ के देख लीजिए उनका हर चीज में उसका बांधने वाले जगह में लाल रंग का धागा चाहिए। हालेलुया। उसका 28 का 15 पढ़िएगा चपरास में। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना कढ़ाई का काम में बनवाना चपरास को भी एपोत के सामने सोने और नीले नीले बैंगनी और लाल रंग के बैंगनी और लाल रंग की और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की ये लाल रंग की और हर जगह पर लाल रंग की धागा आएगा। लाल रंग के धागा के बिना यीशु का लघु का बिना कोई भी कहीं पर भी के लिए भी काबिल नहीं होगा किसी चीज के लिए भी याजक हो या विश्वासी हो या महायाजक हो या लेवी हो हर जगह पर हर चीज में हर प्रार्थना में आप धूपधान में आपका लाल रंग का धागा आपका दिखाई देगा। हालेलुया। आप आराधना आराधना यीशु का लघु से दया होना चाहिए मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं 110:28-33 110 इसका उसके नीचे नीचे वाले घेरे में उसके मतलब किसका है एबोत का एबोत जो एबोत पहना हुआ है एबोत पहना हुआ है उसको ऊपर से पढ़ के देख लीजिएगा। हालेलुया। तो आपको पता 30 से पढ़ के देख लीजिएगा तब आपका घर में पढ़ के देख लीजिएगा तब आपको पता चलेगा। तो एबोत का नीचे नीचे वाले घेरे में नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के लाल रंग के कपड़े का जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। आपका टॉप टू बॉटम तक लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगाना उसका बीच बीच में चारों तरफ सोने का घंटियां बजाना। ये घंटियां किसके लिए मैं उसके बाद स्टडी दिया है हम बार बार वही स्टडी क्यों इतना इतना समय बर्बाद करेंगे। ये घंटियां हैं वर्शिप का दृष्टांत था आराधना मुंह खोल के जब याचक पवित्र स्थान में रहेगा महापवित्र स्थान में रहेगा वो चलता फिरता प्रभु का काम करता रहेगा नीचे का घंटियां बजते रहना है नीचे का घंटियां बजते रहना है नीचे का घंटियां आराधना करते रहना हर जगह पर प्रभु का भवन में आ गया आपका स्तुति बलिदान होटल की बलिदान धन्यवाद की बलिदान ये चलते रहना है। आप वचन सुनते हैं लेकिन होटल से धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद हालेलुया ओ लॉर्ड डो रसा बाला रो वशम पापा ओ रवा शबला रिया होते रहना आत्मा में होते रहना आत्मा में होते रहना आत्मा में एक आत्मिक जिंदगी में आप वचन सुन रहे आत्मा में सुनिए कान से नहीं आत्मा में सुनना है। हालेलुया। जहां पर भी याजक का वस्त्र में लाल रंग का धागा रहेगा टॉप में भी रहता बॉटम में भी रहता मनिया रहेगा फल भी रहेगा आत्मिक फल भी चाहिए उसमें आराधना आवाज आते रहेगा जब महायाजक के महापवित्र स्थान में जाता है घंटियां बजते रहेगा तब लोग सोचता है वो अपना काम कर रहा महापवित्र स्थान में क्योंकि महापवित्र स्थान में महायाजक का अलावा और कोई नहीं जा सकता। जब घंटियां बजना बंद हो गया तो सोचना है प्रभु महा जो है महायाजक को मार दिया कदम तो रस्सी पैर में रस्सी बंद कर अंदर जाता और रस्सी से बाकर ठान लेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन आज ये लाल रंग का ढोरा हमारा होटल में चाहिए सामर्थ सामर्थ अभिषेक उससे भरा होना चाहिए उदार पाया होना चाहिए हमारे जीवन में उदार पाया होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन बदलना है हमारा जिंदगी बदलना है हमारा परिवार बदलना है उसी राघव की तरह अपना घर में खिड़की में लाल रंग की धागा बांधा होना चाहिए। मेरा सारी परिवार का उदार हो मेरा बाबा मेरा बेटा बेटा मेरा बेटी मेरा भाई बहन
सारी मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार सबको अपने घर में बुलाओ, घर के अंदर बुलाओ, घर के अंदर बुलाओ। जो घर में लाल रंग का डोरी बना हुआ उसका उतारो। घर में क्यों प्रॉब्लम है, समस्या है? हालेलुया, लाल रंग की धागा नहीं है, होठों में धागा बांधी है, होठों में धागा। कुछ लोग होठों में क्या है, खतरा नहीं किया होठा है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, मिला तो निकल कर पड़ेगा। निर्गमन का किताब, उसका निर्गमन का किताब, उसका 6:12, निर्गमन का किताब उसका 6:12, उसको होठों में खतरा नहीं है। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, देख देख इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझे मुझे नहीं सुनेगा कि उसको पढ़ते जाओ, क्योंकि मैं मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों सुनेगा। क्या बोलने वाला? भद्दे उसका, ठीक है, उसी का 30 में भी देखिएगा, 30:30। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मुझे सुनेगा। बोलने में भद्दा लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में देखा, मूल भाषा में लिखा है उसका खतरा नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और होठों में एक शुद्धिकरण होना चाहिए, दुल्हन को होठों में शुद्धिकरण होना चाहिए, द्वितीय दुल्हन का होठ प्रभु का लघु से धोया हुआ होना चाहिए हर वक्त, लाल रंग का दहा के जैसा होना चाहिए। हाँ। पढ़िए। Because I am of uncircumcised lips. Because I am of uncircumcised. Circumcised lips. Lips. लिखा मूल्य बदल, हिंदी में थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा गड़बड़ है। Uncircumcised मतलब, circumcised मतलब क्या? कितना? शुद्धिकरण नहीं हुआ होटल में, शुद्धिकरण नहीं हुआ। कुछ लोगों को कितना भी मन बिरा अभिषेक पाया, लेकिन हमारे होटल के कारण हमारा खुद के अपना परिवार को बिगड़ा देते हैं। पति उधार नहीं पाएगा, माँ बाप उधार नहीं पाएगा, पत्नी उधार नहीं पाएगा, बच्चों को उधार नहीं पाएगा। क्यों? आपके एक गवाही नहीं है घर में। बस नीचे होटल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया, एक दुल्हन का होटल लिपटिक लगाकर लोगों के गिराने वाला होटो नहीं होना चाहिए। लाल रंग से प्रभु का लोग से धोया हुआ होटो होना चाहिए, सामर्थ्य से भरा हुआ होटो होना चाहिए, शुद्धिकरण में पाया हुआ होटो होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में होटो को सही करना, लाल रंग का धागा हमारे जीवन में चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये इसी से क्या होता है, ये लाल रंग का दाग से आपका घर का सारी दोष धोया जाएगा। लेवी मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था 14, लेवी व्यवस्था 14 51 एंड 52, लेवी चैप्टर 14 वर्सेस 51 52। तब वो देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े और जूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी के लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे और उस घर पर 7 बार छिड़के, उसका घर का घर पर 7 बार छिड़के, 7 छिड़के घर में, 7 छिड़के और 7 छिड़के, 7 7 times। और इस प्रकार वह पक्षी के लहू और बहते हुए जल और जीवित पक्षी और देवदारू की लकड़ी और जूफा और लाल रंग के कपड़े और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करे, घर को पवित्र करे। जोरदार थाली बजा के वो लाल रंग की कपड़ा का द्वारा, वो भी सब चीज में चाहिए, हर बातों के साथ लाल रंग के कपड़ा भी, लाल रंग की डोरा भी जरूरत है। उसके बिना वो सारी घर का सारी परिवार का दोष निकल जाए। कितना लोग मेरे को प्रार्थना करवाने के लिए बोलते हैं, मेरा पति के लिए, मेरा तो बिगड़ा हुआ है, ना सुधरता है, नशा में, कोई विभचार में, कोई लड़की के पीछे, कोई दोस्तों के साथ, कोई पत्ता खेलता है, बुरा संगति है। हालेलुया, आज आपका जीवन का, आपका घर का, भवन का, परिवार का, बच्चों का, बड़ा का, सब कुछ दोष निकालने के लिए लाल रंग की डोरी अपना होटल में बांध ले, अपने होटल में लाल रंग की डोरी बांध ले। जब आप लाल रंग का
लिपस्टिक लगाएगा, प्रभु आपको थूक करके थूक कर चला जाएगा। लेकिन लाल रंग का डोरी पहन ले, प्रभु बोलेगा ये मेरा दुल्हन है, ये दुल्हन का अनुभव है। एक दुल्हन का क्या है, चेहरा है, एक दुल्हन का अलंकार है, एक दुल्हन का खूबी है। और तब लाल रंग का दुल्हन का ताकत है। हालेलुया, ये अनुभव कर वापस आना है। आज हम मन फिर रहा, दुनिया को छोड़िए, दुनिया के पीछे बार बार क्यों जा रहे हैं? दुनिया अपना नहीं है, दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? दुनिया के लोग मुझे सुंदरता को देखना है, कितना डेंडिंग पेंडिंग आ रहा है, उसका और भी आ रहा है, अभी तो टाइम नहीं है। तेरा लट्टों के पीछे में तुम्हारा घाल अनार की, वो भी कैसा टुटा हुआ अनार, अनार को बागर में इतना सुंदर नहीं देखता है। इसे घर दुकान में अनार बिक्री करने वाला कैसा अनार को बिक्री करता मालूम है? कम से कम एक दो अड्डोल को क्या करता मालूम है? ऐसा आधा काट कर तोड़ कर रखता है ताकि अंदर वाला लाल लाल दिखाई दे, है कि नहीं? प्रेत लाल यहां पर लिखा है, तोड़ा वो अनार की जैसा तेरा घाल, जिकना लगा हुआ नहीं, फेशियल लगाया हुआ नहीं, रोज पाउडर लगाया हुआ नहीं, वो मेकअप लगाया हुआ घाल नहीं, और दुनिया को लोगों का अट्रैक्शन करना है, लेकिन यीशु को मेरा दुल्हा का अट्रैक्शन करना है, दुल्हा पर पसंद करना है, मुझे देख के, मुझे देख के दुल्हा पसंद करना है। आज कितना सेवक लोग हैं, खुद अपना पत्नी को डंडिंग पेंडिंग करवा के स्टेज में करवा करा करते, उन लोग अंदर ये अनुभव नहीं है, दुनिया से तेरी जानते उसे अलग होना है, हम दुनिया के नहीं है। तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो, दिखावटी दुनिया का, दुनिया के लिए दिखावटी, ये पास्टर लोग के दिमाग में भी नहीं गया, सेवक लोग के दिमाग में भी नहीं गया। गंदे गंदे कपड़ा पहनकर, शरीर दिखाने वाला कपड़ा पहनवा के, उसका चुन्नी भी नहीं देते, सील बोर्ड में भी नहीं है, ऐसी छाती दिखा के स्टेज में खड़ा करके क्वायर लीडर बनवाते, अपना बच्ची लोग को, अपना पत्नी को नहीं समझते। एक पवित्र दुल्हन चाहिए यीशु के लिए, दुनिया का बेची नहीं चाहिए, प्रभु को लाल रंग लिपस्टिक लगा हुआ नहीं चाहिए, लोटों में लाल रंग की डोरी पहना हुआ दुल्हन चाहिए। हालेलुया, बहुत लोग नहीं समझ पाते, बहुत सेवक लोग कुछ नहीं समझ पाते, तो विश्वासी लोग कैसे समझेंगे? अपना जीवन में समझिए, जब बाइबल लेकर चर्च में जाते पूरा लाल लाल लिपस्टिक लगा के किसको दिखाने का? तुम्हारा लिपस्टिक से मेरा यीशु पिघल जाएगा, दुनिया का लड़का लोग पिघलेगा, यीशु नहीं पिघलेगा, यीशु सही करके चले जाएगा। आज अपना जिंदगी सुधार ले, आइए वापस हम तुम्हारा उसी वचन को पढ़ेंगे, तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान है, और तेरा मुंह मनोहर है, तेरा मुंह मनोहर है, तेरे कपोल तेरे लटों के नीचे, तेरे कपोल, कपोल मतलब क्या है, एक चिन्ह चिन्ह है ना, क्या बोलते हैं अपने घाल, हाँ, अनार की पाक के देख पाक से देख पड़ते हैं। अनार का पाक, पाक मतलब क्या, अंदर वाला खुला हुआ, खुला हुआ अनार जैसा, आइए हम अपना आँखों को बंद करेंगे। द लॉर्ड ग्लोरिया, खबर हमारी विश्व ग्लोरिया, प्रभु से बोलिए पापा, अभी से मेरा होटल से लाल रंग का धोरी होना चाहिए, लाल रंग का धोरी, प्रभु यीशु मसीह का कुर्बान को दृष्टांत आता है, यीशु मसीह का बलिदान को दृष्टांत आता है, आपके लिए मेरे लिए बगाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का लोगों को दृष्टांत आता है। यीशु मसीह का बड़ा होठों में पहनना, उसको कितना क्या वो होठ चाहिए, कितना क्या वो होठों का जरूरत है। हो राबाशा बाला राबाशा बाला राबासी का बाला रिया, आज कितना होठ है, हो रहा वर्षा का बिगड़ा हुआ होते हैं, जो मन में आता है बोलने वाला होता है, वो खाली ग्लोस देने वाला होते हैं, भड़का के चढ़का के बोलने वाला होता है, चुकली बोलने वाला होता है, दूसरों का निंदा बोलने वाला फैलाने वाला होटो है, वो दूसरे के बारे में बदनामी करने वाला होटो है, भला बुरा बोलने वाला होट है, लेकिन वो दुल्हन का होटो है, वो लाल
रंग का डोरी है और लाल रंग का डोरी है जो पवित्र महापवित्र स्थान में बना हुआ है और महापवित्र मिलाप की छत्र का उसका ऊपर वाला छत्र में लाल रंग का डोरी का जरूरत है। ये लाल रंग का डोरी के बिना कोई इंसान उधार नहीं पा सकेंगे। ये लाल रंग की डोरी के बिना कोई भी आंगन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये लाल रंग का डोरी का बिना कोई पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लाल रंग की डोरी का बिना कोई महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज अपना जिंदगी को थोड़ा ध्यान के देखिए। वो पास्टर ने मरने से पहले जो विषय देकर बता के चले गया, ओ प्रभु का जीवन का मुझे खुला हुआ, ओ कितना, ओ जो अपना कलीसिया का विश्वासियों का नाम देख रहा है, पुराना विश्वासियों का नाम देख रहा है, वो लोग अभी भी चर्च में आना जाना कर रहा है, दान दे रहा है, दर्शन दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, लेकिन उनका नाम कटा हुआ है, उनका नाम कटा हुआ है, उनका नाम कटा हुआ है। ओ प्रिय भाई, ओ प्रिय बहन, आज आपको सुधरने का एक मौका मिल रहा तो आज सुधर जाओ, वापस आ जाओ जहां से गिरा हुआ है। कितना विश्वासी है वो प्रभु के सामने निर्णय लिया, सारी सोना चांदी खोल दिया, सारी सोना चांदी खोल दिया, वो फिर भी दोबारा सोना चांदी पहन के घूमता है। कितना लोग सिंदूर वगैरह हटा दिया, वो फिर भी सिंदूर पहन के घूमता है। वो कितना लोग मेकअप लिपस्टिक वगैरह प्रभु के सामने निकाल दिया, फिर भी कभी कभी उसको ढाल कर अपना फोर्स देता है। आज भी विश्वास में वापस आई है मन प्रिय। ओ पप्पा, मैं बार बार गिर जाता हूँ, मैं बार बार भड़क जाता हूँ, और दुनिया को अट्रैक्शन हो जाता हूँ, और दुनिया का पीछे चला जाता हूँ, दुनिया की मोह माया, दुनिया की फैशन का पीछे चला जाता हूँ। ओ खुदावंद, मुझे रूपांतरित कर है, मेरा चेहरा देखने में कितना मनोहर है। दुलीन बोल रहा है, दुलीन तेरा चेहरा कितना मनोहर है, तुम्हारा खाल कितना सुंदर है, तुम्हारा होठों में कितना अच्छा है। ओ रावा शाबा ला रावा, थोड़ा दिन प्रार्थना करेंगे, मुख कर ही शाबा ला रावा, शाबा ला रावा, ओ ला रावा ना मोरा बा खबा ला मोरा 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 बा, ओ ला रावा ला मोरा 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 बा शकलिया, ओ ला रीबा ना मोरा मोरा बा, सब 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 मुख कर के, ओ रा बाला रावा शाबा ला रावा ना मोरा बाला मोरा बाला मोरा बाला मोरा बा खबा ला मोरा बाला बा, ओ ला रावा ला मोरा मोरा बा, ओ डरा वाला बरी बड़ा बड़ा वशाल बिला डरा बाका बाला बड़ा बड़ा बड़ा। हम बार बार गिर जाते हैं, जो भी कमी करी वापस आइए, मुझे दुलीन बनना है, यीशु का दुलीन बनना है। दुनिया मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ भी मिले ना मिले, दुनिया के कोई लोग मिले ना मिले, मुझे यीशु चाहिए। बोलिए अपना मुंह खोल के, ओए बड़का वा सारी, ओए विश्वासी, दुनिया के पीछे घूमने वाला विश्वासी, दुनिया की मान सम्मान की खोज में रहने वाला विश्वासी, दुनिया की फैशन में घुमा हुआ विश्वासी, वापस आओ। हो डरा वाला बा, इसका जो भी सुन रहा है, वो जो भी सेवक लोग वो मन फिर ले, हो डरा वाला बा, तेरा सिंगार दिखावट ना हो, वो प्रभु अपना दुलीन को ढूंढ रहा है। और संसार के लोग दुनिया प्रभु के नहीं चाहिए, संसार के पीछे घूमने वाला नहीं चाहिए, संसार के वैसे लोग प्रभु के लिए नहीं चाहिए। हो डरा वा शाला, ओ पवित्र अलंकार के साथ शोभामान होके, ओ परमेश्वर का धन्यवाद, पवित्र दाई से शोभामान होके, पवित्र अलंकार से शोभामान होके, प्रभु का धन्यवाद। मन फिर ले हो रहा बना मोरा बाला बरा बाला बरा बशा बाला बरा बाला बरा बा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आशीष के प्रभु, आज के वचन के अनुसार हमारे होठों को पवित्र कीजिए प्रभु। ये अशुद्ध होने वाले हैं होठ है परमेश्वर, हम सब हमारे एक पर तरस खाइए। हमारे होठों में एक ऐसा बात है कि हम किसी में विजय नहीं पा पाते हैं प्रभु, बार बार किसी ना किसी गुस्सा से, किसी ना कि कोई कुछ बोल देने से हम लोग अपना मुंह को रोक नहीं पाते परमेश्वर। हमारे होठों के बातों को माफ कीजिए, हमने जाने अनजाने आपके विरोध में, दूसरों के विरोध में जो जो बोली है, गुस्सा में बोली है, जलजलाहट में बोली है, चुगलियां, हर प्रकार की निंदा, कड़वाहट, सब चीज को क्षमा कीजिए परमेश्वर। आज हमारे होठों को एक नया जन्म दीजिए, हमारे होठों को पवित्र कीजिए। ये होठों से परमेश्वर को पसंद न आने वाली कोई भी बात ना निकलने पाए परमेश्वर, हमारे होठों से निकलने वाली ये बात यहोवा को खुश करने पाए, स्वर्ग को खुश करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। ये होठों से प्रभु आपका नाम महिमा होना, आप खुश होना परमेश्वर, ऐसी ही बातें केवल ये मुंह से निकलने पाए। दूसरों का घाव भरने वाला बातें ये होठों से निकलने पाए, दूसरों को घाव ना देने पाए, दूसरों को तकलीफ देने वाली बातें ये मुंह से ना निकलने पाए प्रभु। अनुग्रह है अपने लाल रंग की डोरी से हमारे होठों को बांधने के लिए विनती करते हैं, बांधने के लिए विनती करते हैं। हर गंदगी कचरा यहीं से रुक जाने पाए और ना आने पाए परमेश्वर।
पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबों के साथ सारी दुनिया के पैतलों के साथ आज इसी लाइव वीडियो के साथ जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन। हालेलुया।